हे गाइस व्हाट्सअप, तो कैसे आप लोग गाइस? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। गाइस आज हमारे पास है फायरबोल्ट निंजा 3। हम करने वाले इसका फुल टू सेटअप, आपको ऐप में कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसका सेटअप करना है, सारे सेटिंग्स और फीचर को कैसे इनेबल करना है, मैं आपको पूरा फुल टू यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, तो वीडियो पूरा कम्प्लीटली सही से देखना, आपको फुल टू सेटअप आ जाएगा और आपको म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा फीचर, जो आपका शटर वाला फीचर है वो गाइस, और फिर आपको कस्टम वॉच फेसेस कैसे इनेबल करने, मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। व्हाट्सएप, तो हमारे पास है फायरबोल्ट निंजा 3 और हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप। और आज सबसे पहले हम कर लेते हैं स्मार्ट वॉच को ऑन, और ये स्मार्ट वॉच हमारे सामने ऑन हो रहा है और फिर हम तो गाइज यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो डाउनलोडिंग इन कर रही है स्मार्ट वॉच विद द फिट ऐप। तो हमें तो गाइज मैंने यहाँ पे कर लिया द फिट ऐप को इंस्टॉल और मैंने किया इसको ओपन, और ओपन करने के बाद हम इसमें यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स मांग रहा है। तो सपोज करो मैंने कुछ डिटेल्स डाल दी यहाँ पे, ओके गाइज ठीक है, जो भी मैंने डालना था 45 अप्रोक्स अपनी मर्जी से कुछ भी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल डालना अलाउ करेंगे। और यहाँ पे हम आते हैं टू ऐड पे, फिर गाइस हम करेंगे लोकेशन ऑन, और लोकेशन ऑन करने के बाद यहाँ पे हमें लिख रहा है प्लीज़ सिलेक्ट द स्मार्ट वॉच इन द पिटिशन लिस्ट। यहाँ पे हमारा स्मार्ट वॉच जो है वो सर्चिंग में आ रहा है जो कि हमारे पास है, और अभी देखते हैं गाइस फाइनली यहाँ पे कनेक्टेड लिख के आ रहा है। और हम करेंगे वॉच फेसेस पे, और वॉच फेस करके हम करने वाला वॉच का फेस चेंज, और मैंने क्लिक किया यहाँ पे वॉच फेस 4 पे, और यहाँ पे चेक करते हैं हमारा वॉच का फेस जो चेंज है, वॉच का फेस जो है वो चेंज हो गया। और हम जैसे ही उसके बाद ट्राई करते हैं दूसरा, मैंने किया दूसरा और यहाँ पे चेंज हो गया इंस्टेंटली। तो गाइज ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद की सेटिंग्स हम देखते हैं, तो हमें नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप जिसका भी नोटिफिकेशन ऑन करोगे कॉल का तो आपको कॉल की नोटिफिकेशन मिलेंगी, और मैसेजेस का तो मैंने मैसेजेस की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। फिर यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑन करते हो तो व्हाट्सएप का आपको मिलेगा, गाइज यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्सेस मांग रहा है। और फिर यहाँ पे इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन एक्सेस करते हो तो आपको इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो गाइस ये थी नोटिफिकेशन की सेटिंग्स। फिर अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे शटर का ऑप्शन मिल जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर्स में आने के बाद यहाँ पे हमें फाइंड डिवाइस में टाइम फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है गाइस, उसका डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिल जाता है, और कंट्रोल फोन म्यूजिक इसको आप इनेबल करते हो, यहाँ से आप फ़ोन की म्यूजिक इनेबल कर सकते हो, इसको नॉट अलाउड है, इसको अलाउ करना पड़ेगा तब आपका म्यूजिक कंट्रोल लेगा ये, और मैंने कर दिया इसको अलाउ। फिर यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो लॉक जो है ऑटो लॉक से होगा, जो आपका स्मार्ट वॉच का जो डिस्प्ले है वो ऑटो लॉक टाइम यहाँ से आप चेंज कर सकते हो 20 सेकंड, जो भी आपको चेंज करना है। यहाँ पे रीसेट है, वैलिड पीरियड है, और आप आगे जाके ड्रिंक वाटर का जो है आपको रिमाइंडर भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर हमेशा 60 मिनट आप कर दोगे तो 1 आवर, एवरी 1 आवर पे आपको यहाँ पे वाटर ड्रिंक वाटर का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। गाइस हम यहाँ पे आगे आते हैं तो हमें राइट साइड में यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल है वो चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, और गाइस यहाँ से आप अपने स्टेप्स देख सकते हो, स्लीप मॉनिटरिंग देख सकते हो, फिर हार्ट रेट देख सकते हो, ब्लड ऑक्सीजन का जो आपका रेट है वो देख सकते हो, आउटडोर रनिंग आपने कितना चला है आप। तो यहाँ पे जो हमारा शटर का फीचर, तो गाइस हमने कर लिया कैमरा को ऑन और मारते हैं शटर के फीचर पे, और यहाँ क्लिक किया, क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे जो है टाइमर चल रहा है और पिक्चर क्लिक हो गई है। तो ये इसे आप कहीं पे भी फ़ोन को सेट करके स्मार्ट वॉच से कैप्चर क्लिक कर सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो, इसकी ये फीचर आपको काम आने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब। तो आपको एक और बात कहना चाहूँगा, स्मार्ट ही सेल्फ के साथ स्मार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके बताना।